बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू वाई बी टी वी में खुश आमदीद। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए बुरी खबर, जो कि मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान बमकाबला श्रीलंका के दरमियान जो फाइनल होगा वो मैच नहीं खेल सकेंगे। उस मैच के लिए मोहम्मद आसिफ उस मैच से बाहर हो चुके हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मैच हुआ था उसमें मोहम्मद आसिफ और फरीद अहमद के दरमियान जो लड़ाई हुई थी उसका लड़ाई का नोटिस ICC ने ले लिया है। मैच रेफरी ने दोनों को तलब किया था अपने चैम्बर में और दोनों को बताया था कि इनको क्या क्या सज़ा मिल सकती है। दोनों की सज़ा का फैसला आज मुतबक है और इस फैसले में सभी इम्कान है कि दोनों खिलाड़ियों को एक एक या दो दो मैच की बैन लगेगी और कुछ जुर्माना होगा दोनों खिलाड़ियों पर। पाकिस्तान के लिए तो ये बुरी खबर है क्योंकि अफगानिस्तान को तो उनके फास्ट बॉलर के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अफगानिस्तान एशिया कप से बाहर हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान के मेन बैट्समैन आसिफ अली जो कि अच्छी फॉर्म में हैं और पाकिस्तान को लास्ट ओवरों में अच्छी हिटिंग करके देते हैं, अच्छे रन्स बना कर देते हैं, उनका पाकिस्तान की टीम से जाना पाकिस्तान की टीम की बैटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा मसला बन चुका है। क्योंकि इस वक्त आपने देखा कि पाकिस्तान की बैटिंग जो है इस वक्त इतनी अच्छी नहीं है, इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। रिजवान भी फॉर्म में नहीं है और बाबर आजम भी फॉर्म में नहीं है। इसमें एक अच्छे बैट्समैन का टीम से जाना पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान की टीम के लिए बैटिंग के लिए। मज़ीद अपडेट और न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।